हाँ जी, लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है जी, सरफेस एरिया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करती है, ये सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। तो एक बार जल्दी से हम कोन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम असाइनमेंट कर लेंगे। ठीक है जी, लो जी, सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। बोलो जी, वो 1/3 π² वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 π r² h, वेयर r एंड h आर रेडियस ऑफ द बेस एंड h इज द स्ट्रेट हाइट। ये r है, ये h है, ये है स्लांट हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई और जी, बस बातें नहीं, बातें नहीं। देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड वाला पार्ट एंड नीचे का फ्लैट सरफेस विच इज सर्कुलर, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों में से अगर मैं पाई आर को कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास बच जाता है एल प्लस आर। एरियाज आर मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स एंड वॉल्यूम्स दे आर मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। ये बातें हम सब कर चुके हैं लास्ट क्लास। चलिए जी, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द असर्शन रीजन फर्स्ट। एक असर्शन रीजन है हमारे पास, लेट अस सी व्हाट इट सेज। अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर का बात हमने कर ली थी क्या, अगर एक्सिस ऑफ कोन परपेंडिकुलर टू द बेस हो तो दैट इज राइट सर्कुलर कोन। रिवॉल्विंग अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट ट्राइंगल, कंटेनिंग द राइट एंगल। हाँ जी, दोबारा समझो क्या कह रहा है। अ राइट सर्कुलर कोन इज जेनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। लेट मी टेक वन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और ये कह रहा है कि कोन को कैसे जनरेट कर सकते हो, बाय रिवॉल्विंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल। इफ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट ट्राइंगल, राइट एंगल, इसका मतलब या तो मैं बीसी साइड की बात कर रही हूं या तो मैं एबी साइड की बात कर रही हूं। मैं इस बीसी को एज सच रख करके इसको इसके अबाउट अगर रोटेट कर दूं तो मुझे कौन मिल सकता है, या करेक्ट। मैं बीए के अराउंड इसको रोटेट कर दूं तो भी मुझे कौन मिल सकता है। इज इट ओके, क्या ये बात सही है? यस। इसका मतलब असर्शन कैसा है मेरा? ट्रू। नाउ लेट अस सी द रीजन। रीजन से द कोन इज सेट टू बी राइट सर्कुलर कोन इफ एक्सिस ऑफ द कोन इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि राइट सर्कुलर कोन कब कहा जाता है, जब एक्सिस ऑफ द कोन, दिस इज एक्सिस ऑफ द कोन, परपेंडिकुलर टू द बेस। जब एक्सिस में और बेस में 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसको हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। इसका मतलब कि आपका असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। क्या एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ऊपर वाले को ये
एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, वो हम सिर्फ वहां पर हम बता रहे हैं कि रिवॉल्व करके बन रहा है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि राइट सर्कुलर कौन होगा अगर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, नॉट बी ए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों आप अपनी अपनी जगह ट्रू हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। चलिए जी, अब हम पढ़ रहे हैं जी केस स्टडी, पढ़ो जरा देखें क्या करते हो आप इसमें। रीड द केस स्टडी केयरफुली एंड टेल मी what it says. हाँ जी, क्या कह रहा है ये? इन एवीएम स्कूल एनुअल फंक्शन इज प्रपोज्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन विंटर सीजन, देयरफॉर दे सजेस्टेड टू मैनेजमेंट फॉर कॉनिकल शेप्ड टेंट टू बी प्लेस्ड इन स्कूल्स प्लेग्राउंड. Then the management agreed and ordered two members of school to purchase a piece of canvas whose area is 702 meter square. एक कॉनिकल टेंट बनाना है, उस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवस चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो 702 मीटर स्क्वायर एरिया का ऑर्डर किया गया है. दे यूज इट टू मेक अ कॉनिकल टेंट विद 8 मीटर बेस रेडियस. हमने क्या करना है, एक कॉनिकल टेंट बनाया, ये मेरे पास एक कॉनिकल टेंट जिसका बेस रेडियस जो होना चाहिए वो कितना है, वो है 8 मीटर्स. बेस रेडियस इज 8 मीटर्स एंड द कैनवस वी हैव ऑर्डर्ड इज 702 मीटर्स. दिस इज द कैनवस ऑर्डर्ड. टू मेक ए कॉनिकल टेंट विद बेस रेडियस दिस, सपोज दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द कंजप्शन इनकर्ड वाइल कटिंग इज अबाउट 2 मीटर स्क्वायर. अब आपके पास 702 मीटर स्क्वायर कपड़ा है, इसको आपने टेंट में बना शेप में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली कुछ कटिंग्स करोगे, कुछ स्टिचिंग में जाएगा, तो वो सब कुछ के लिए कितना यूज हो रहा है, 2 मीटर स्क्वायर टोटल इतना अवेलेबल है. कटिंग स्टिचिंग में जो जा रहा है, कटिंग एक्सेट्रा में जो यूज हो रहा है, वो 2 मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज हो जा रहा है. ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवस अवेलेबल फॉर मेकिंग द टेंट. बोलिए जी. ऑब्वियसली टोटल 702 था, 702 में से 2 तो वेस्टेज में निकल गया काटने में या स्टिच करने में या वट एवर, सो वट एवर इज अवेलेबल विद इज नाउ 700 मीटर स्क्वायर. चलिए जी, अब हमें कहा गया कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट. अब बताओ क्या करोगे, स्लांट हाइट निकालनी है मुझे. हाउ टू कैलकुलेट स्लांट हाइट, क्या फॉर्मूला यूज करना है, कैसे करना है, ये बात आपने अब मुझे बतानी. हाउ टू कैलकुलेट स्लांट हाइट, अगर आपको पाइथागोरस लगानी है तो मुझे एक बात बताना, पाइथागोरस जो लगेगी उसके लिए ये आर है, ये एच है, ये एल है. पाइथागोरस लगाने के लिए आपको कम से कम दो बातें तो पता होंगी, तभी तो तीसरी निकालोगे. आपको तो सिर्फ रेडियस मालूम है, एक अकेला रेडियस पता होने से तो एल नहीं निकल सकेगा भाई, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है. कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो 700 मीटर स्क्वायर है, ये हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, अगर आप कॉनिकल टेंट बना रहे हो तो ये जो 700 मीटर स्क्वायर है, इज इट दी
कैनवस रिक्वायर्ड जो इसकी हम बात कर रहे हैं वो कर्व्ड सरफेस एरिया है कौन का या टोटल सरफेस एरिया है? व्हाट इज इट? इट इज कर्व्ड सरफेस। ये हमने लास्ट क्लास में बात स्पेसिफिकली करी थी कि जब कैनवस की बात करी जाती है तो कैनवस का एरिया रिप्रेजेंट क्या करता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब ये 700 जो है ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विच इज पाई आर एल। अब इसमें से आपको स्लांट हाइट पूछी गई है, मतलब कि एल निकालने को बोला गया है। निकालो जरा क्या निकालते हो? ए ऑप्शन सबका आ गया? सिंपल, आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पर। आपके पास जो चीज अवेलेबल है इसमें दैट इज पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, आर गिवन है क्वेश्चन में 8, एल मुझे निकालने को बोला। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम फाइंड आउट कर लेंगे अपनी एल की वैल्यू। और यहां से एल निकालने का मतलब है आपके पास एल जो आ रहा है दैट विल बी 700 × 7 / 22 × 8। दिस इज योर कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 × 4 = 175। बस जी, अब 175 × 7 और नीचे डिवाइड बाय 44 आप करेंगे तो आपके पास फर्स्ट आंसर ए पार्ट इज योर आंसर दैट इज 27.84। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट। अब आपसे पूछा गया हाइट। जब हम हाइट की बात करते हैं इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? एच की। ठीक है जी। अब आपके पास आर है, कितना है? 8। एल आप निकाल चुके हो, फर्स्ट जो ऑप्शन आपने निकाली है 27 point something, ये आपका एल है। आपको कहा जा रहा है एच निकालें, तो क्या निकाल सकते हैं एच? अब लगेगी आपकी पहली, एग्जैक्टली लगाओ। अप्रोक्सीमेट पे चले जाना क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है तो बहुत एग्जैक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल काम। एल आपका 27.84, आर आपका 8 centimeter दिया है, मुझे एच निकालना है। फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच चाहिए तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज गोइंग टू बी एच। एल का स्क्वायर दैट इज 27.84 का स्क्वायर, स्क्वायर इज 64। यहाँ पर आप 27.84 है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू से चल सकते हो क्योंकि 27.84 का स्क्वायर करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। आप 28 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर मालूम है आपको, इन बिटवीन वैल्यू लेकर के आप अप्रोक्सीमेशन पर जा सकते हो। देखो जी क्या करोगे, थोड़ा सा अच्छा।
27 का स्क्वायर होता है 729, और 28 का स्क्वायर होगा 784। अब ये जो आपका 27.84, इट हैज टू बी नियर टू 784 के आसपास में इसको होना पड़ेगा। पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लो, जब ऐसे सिचुएशन में आ जाओ तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करनी है। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हो ही जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। 27 का स्क्वायर है 729, 28 का स्क्वायर 784, ये वैल्यू ऑब्वियसली 28 के आसपास है, कंपेरेटिवली 28 के पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू 27। तो 784 के आसपास एक कोई वैल्यू आप एज्यूम करके इसको अप्रोक्सीमेशन पर जा सकते हो, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेशन पे जा सकते हो। ठीक है जी, तो सपोज हम इसको टू बी मोर लाइक आसान करने के लिए 780 के आसपास की वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर टाइम है तो आप कंप्लीट कर दो, क्योंकि अगर कंप्लीट करोगे तो उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसका स्क्वायर रूट भी एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा, तो उसको भी टाइम टाइम जाएगा, ये भी देख लेना। ठीक है जी, तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 780 के आसपास ले लेते हैं, 780 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 760। अंडर रूट, इसका मतलब ये 27 से थोड़ा सा कम बनना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझते जाओ मैं क्या कह रही हूं। अगर ये 729 होता तो स्क्वायर रूट करने पर 27 आंसर आता, ये है 716 और ये है 729, तो 27 के आसपास का ना, 26 के आसपास का जो भी कोई आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाना चाहिए, 26 से ज्यादा, नियरर टू 27। अगर आप ऑप्शंस देखते हो, सी ऑप्शन मैच हो रही है आपकी? मैं फिर से बात कर रही हूँ, इफ यू हैव टाइम यू कैन डू द फुल कैलकुलेशन, उसमें कोई हमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है करने को। लेकिन अगर टाइम का शॉर्टेज है और जिस तरह की यहाँ पर ऑप्शन दे रखी है उसमें हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन पर चल सकते हैं। दोबारा देखो हमने क्या कहा, 27.84 का स्क्वायर विल बी नियर अबाउट टू 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर है 784, मैंने 780 अज्यूम कर लिया, 780 में से 64 गया, 716 आया। अगर ये 729 हो जाता तो ये 27 बन जाता, लेकिन 716 है तो 27 से थोड़ा कम, 27 से थोड़े कम वाली वैल्यू कौन सी नजर आ रही है मुझे? 26.67। तो आई विल से दैट इज माय आंसर। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग दी टोटल एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन? ये फॉर्मूला भी बिल्कुल, ये फॉर्मूला हम सबसे पहले करके हटे हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी टोटल सरफेस एरिया। अगला है वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द टेंट। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द टेंट मतलब क्या करना है अब आपको? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है कौन की? 1/3 आर स्क्वायर, एच आप थर्ड पार्ट में निकाल के हटे हो, 26.6। देखो जी क्या करोगे अब, हाँ जी करो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशंस लगा करके कैलकुलेशन कर लो, बहुत लंबे चौड़े उस पे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करके काम कर लो। एक दूसरे की कॉपियां ना देखो, कुछ कर लो थोड़ा बहुत।
इसको ही अगर आप 27 एज्यूम कर लो, अप्रोक्सीमेशन चल रही है यहाँ पर, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 27 एज्यूम इसको कर लूं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 16 × 36 / 2। अब ये आपको मालूम है दिस कैन बी टेकन एज 3.14 इंटू 16 × 144। अप्रोक्सीमेट करके ऑप्शंस को देख करके आप अपने आंसर को मार्क कर सकते हो। एक मिनट, आई हैव समथिंग रॉन्ग। 8 × 8 = 24। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो व्हाट यू नीड टू डू इज 3.14 इंटू 9 × 64। इतना काम तो कर ही सकते हैं। 3.14 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से और 64 से, और अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिल जाए। ठीक है जी, चलिए कर लेना। मतलब कैलकुलेशन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो बातें समझने की थी कि जो 700 दे रखा है वो क्या है, इज दैट द कर्व सरफेस एरिया और इज दैट द टोटल सरफेस एरिया, एक चीज। दूसरा, जब आपके पास होल नंबर्स में कैलकुलेशन नहीं आ रही, पॉइंट्स में आप जा रहे हो, तो अप्रोक्सीमेशन के साथ कैसे आपने वर्कआउट करना है, ये दो बातें हैं जो आपको इस क्वेश्चन से यू नीड टू लर्न। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम कर रहे हैं सेकेंड एमसीक्यू। सेकेंड एमसीक्यू पढ़ो जरा, क्या समझ में आता है। अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायामीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन ओपन कोनिकल कप। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि अगर हम कोन को अलोंग स्लांट हाइट ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेक्टर मिलता है। बिल्कुल, और हमने एक बात और भी कही थी कि अगर हम एक सेमी सर्कल को एज्यूम करेंगे तो ये भी सेक्टर ऑफ सर्कल ही है। ठीक है जी, तो अब मैंने यहाँ पर भी क्या है, ये दो आपके रेडियाई हैं ओ ए ओ बी और ये आपकी आर्क। एनीथिंग विच इज बाउंडेड बाय आर्क एंड टू रेडियाई इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब मुझे क्या दिया, एक सेमी सर्कुलर शीट है, इस तरह की शीट मुझे प्रोवाइड करी गई है और इसका डायामीटर 28 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 14 सेंटीमीटर। अब इसको बेंड करके मैंने कोनिकल कप बनाया है। पहले थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करो, आपके पास ये शीट है, आपने इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे बेंड करके कोन बना दिया है। इस सेमी सर्कुलर शीट को मैंने बेंड करके ये एक कोन बनाया है। समझ में आ रहा है कुछ? अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है डेप्थ एंड कैपेसिटी ऑफ दिस कप। डेप्थ का मतलब एच निकालना है और कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना। दो चीजें चाहिए मुझे, एक एच चाहिए और दूसरा वॉल्यूम चाहिए। अब ध्यान से पहले आप सोचेंगे, समझेंगे और फिर मुझे बताएंगे, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए तो आर और एच दोनों चाहिए। अगर मैं कहूं कि इसको बेंड करके जो मैंने कोन बनाया उसका रेडियस आर है, स्ट्रेट हाइट एच है, स्लांट हाइट एल है, 14 रेडियस होगा इसका। किसका रेडियस होगा 14? कौन का रेडियस? ये साथ आएगा, बस यही बात तो समझनी थी। सेमी सर्कुलर शीट, मेरे पास शीट भी नहीं है। चलो जरा, वो किसका रेडियस है बेटा 14? वो सेमी सर्कुलर शीट का रेडियस है, उससे जो कौन बनेगा उसका रेडियस भी क्या 14 होगा। अगर आप थोड़ी सी बात याद हो, हमने लास्ट क्लास में ये कहा था कि अगर ये हमने कोन को काटा, ये बन रहा है, ठीक है,
अब ये जो सेक्टर जिस सर्कल का पार्ट है, बातें नहीं बच्चों, ये सेक्टर जिस सर्कल का पार्ट है ये उसका रेडियस है, इज इट? अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास सेक्टर, मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूं जिसका ये पार्ट है, तो ये मेरा सर्कल किस तरीके से जा रहा है? इट इज, अरे भैया चला, ये सर्कल बना ऐसा, ठीक है जी? तो ये जो कोन का स्लांट हाइट थी, वो कोन की स्लांट हाइट क्या मेरे सर्कल का रेडियस होगा? क्या ये बात समझ में आती है? अगर जो स्लांट हाइट है वो सर्कल का रेडियस है, तो यहां से जो 14 आ रहा है वो मेरे कोन का क्या होगा, रेडियस होगा या इसकी स्लांट हाइट होगी? हाँ जी, विल इट बी स्लांट स्लांट स्ट्रेट हाइट, स्लांट हाइट या आर? ये ऐसी आपके पास शीट है, सेमी सर्कुलर है, चलो वो बात छोड़ दो, सेमी सर्कुलर की बात अभी हम यहाँ कर ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं सेमी सर्कुलर होगी तो ये ऐसे चले जाएगा, ये ऐसे चले जाएगा, यही होगा, ठीक है? जब हम इसको फोल्ड करके कोन बना रहे हैं, तो ये जो रेडियस वाला पार्ट है, ये रेडियस वाला पार्ट कोन की क्या चीज बना रहा है? स्लांट इसका मतलब ये जो 14 है आपके पास, ये 14 जो रेडियस है वो इसका क्या होगा, स्लांट हाइट। तो एल इज 14। पहले ये बात बता दो किस किस को समझ में नहीं आई है, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्हें समझ नहीं आई है, सिर्फ वो बातें करने में व्यस्त हैं, सेकंड बेंच कॉर्नर के दो बच्चे, मैं बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ, यू आर जस्ट टॉकिंग, हाँ जो इधर उधर देख रहे हो उन्हीं की बात कर रही हूँ, वन इन द स्वेटर एंड वन विदाउट स्वेटर, आई थिंक यू आर एबल टू मेक आउट मैं किसकी बात कर रही हूँ, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आप ही दोनों को कह रही हूँ जो इधर उधर गर्दन में घूम रही है जिनकी। हाँ जी, ये जो आपका रेडियस है, दिस इज बिकमिंग द स्लांट हाइट। तो यहां पर जो रेडियस है 14, वो बन गई है इसकी स्लांट। एक बात, दूसरी बात ध्यान से सुनना मेरी, ये जो आर्क वाला पार्ट था, मतलब जो इसका ये पार्ट है, ये इस सर्कल का क्या बन रहा है? नॉट द डायमीटर, ये बेस बन रहा है। दोबारा देख लो, ये सेक्टर के रेडियस और ये सर्कल, ये आर्क, जब आप इसे कोन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो नीचे वाली आर्क है, ये आर्क क्या बनती है? इस सर्कुलर पार्ट का सरकमफेरेंस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब ये जो है मेरे पास, दिस, व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी 2π × 14। विल इट बी 2πr और विल इट बी पाई आर? सॉरी, सरकमफ्रेंस, ये पूरे का पूरा इस, ये जो आपकी, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका सरकमफ्रेंस बनने वाला है। इज दिस ओके? अब इसको इक्वेशन में कैसे लेके आओगे ये आपको मुझे बताना। ये पार्ट क्या, हाउ मच इज इट्स लेंथ? इस सर्कल के लिए सेमी सर्कल तो π × 14 और इसका पूरा सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr। दोबारा समझ लो, दो रेडियस की बात है यहां पर, एक इस सेमी सर्कल का रेडियस, दूसरा इस कोन के बेस का रेडियस। इस सेमी सर्कल का रेडियस 14 है, तो ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, ये आपकी π × r, टोटल सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, ये हो जाएगी π × r, दैट इज π × 14।
पाई इंटू 14, पाई इंटू 14 करें तो 22/7 इंटू 14, तो ये 44. एंड दिस शुड बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन, कोन के बेस का सर्कमफ्रेंस ये होना चाहिए. तो यहां से आपको आर मिल सकता है, 22/7 इंटू आर इज 44, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आर कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर. दोबारा ये दो बातों बहुत बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी आप किसी सेक्टर का कन्वर्जन करके कोन बनाएंगे, व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज, इस सेक्टर का जो रेडियस होगा वो आपके कोन की स्लांट हाइट बनेगा, आपके सेक्टर का जो आर्क लेंथ होगा वो आपके कोन के बेस का सर्कमफेरेंस बनेगा. इज इट ओके? क्या ये दो बातें समझ में आती हैं? तो अब आपके पास क्या क्या मिल गया, आपको अपने कोन का एल मिल गया है 14 और आर मिल गया है 7. अब आपसे पूछा क्या क्या गया है, आपसे इस कोन की हाइट पूछी गई है और वॉल्यूम पूछी गई है. अब हाइट वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हाइट चाहिए, क्योंकि 1/3 πr² है 6 मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला. आर आप निकाल चुके हो 7, एच निकलेगा तो वॉल्यूम निकलेगी. अब एच बताओ कैसे निकालोगे, आपके पास एल पड़ा है 14, आर पड़ा है 7, निकालना क्या है एच. पाइथागोरस लगाओ, और यहां पर भी थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन से ही काम करना पड़ेगा. हाँ जी, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल है आपका 14, आर है आपका 7, तो 14² 196 - 49 अंडर रूट. हाँ जी बोलिए जी, क्या आ जाएगा 196 - 49 करोगे कितना आएगा? अब 147 किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है? हाँ जी, किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है? 12. अगर 144 होता तो 12, मतलब बहुत नियर अबाउट टू 12. तो अप्रोक्सीमेटली क्या मैं h को 12.1 के आसपास ले सकती हूँ? इफ दिस वुड हैव बीन 144 तो h 12 हो जाता. ये 147 और 144 में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए ये 12 से थोड़ा सा बड़ा. सो आई एज्यूम इट टू बी 12.1 ले सकते हो, 12.2 ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, दोनों में से कुछ भी आप एज्यूम कर सकते. ठीक है जी, तो आपकी एच तो आ गई है 12 पॉइंट, अगर ऑप्शन के हिसाब से चलते हो तो 12.12. इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, 12.12 ही आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनती है, तो ऑप्शन पे देख के आप 12.12 भी एज्यूम कर सकते हो इसको. अब आपको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है 1/3 πr h. वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच इज योर वॉल्यूम. इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं. ठीक है जी, आंसर आपका बन रहा है इस केस में ए. आंसर फॉर सेकेंड एमसीक्यू इज ए. हाइट इज 12.12 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 622.26 सेंटीमीटर. ठीक है जी, तो क्वेश्चन में जो समझने की बातें थी वो सिर्फ दो. जिस सेक्टर से आप कोन बनाते हो
उस सेक्टर का रेडियस कोन की स्लांट हाइट बनता है, उस सेक्टर की आर्क कोन के बेस का सरकमफेरेंस बनता है. दीज आर टू कंसेप्चुअल पॉइंट्स विच यू आर सपोज टू रिमेम्बर. ठीक है जी, चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप. फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इट सेज. The curved surface area of one cone is twice that of the other, while the slant height of the latter is twice that of the former. The ratio of their radii. What do you mean by latter and former? इन वर्ड्स का क्या मतलब है? लैटर एंड फॉर्मर हमें कहा क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ दी अदर. चलो पहले तो हम ये करते हैं बात कि एक कोन है जिसका रेडियस आर वन और स्लांट हाइट एल वन ले लेते हैं, दूसरे को एल टू और आर टू ले लेते. ठीक है जी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल. अब कहा गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर. एक कोन का कर्व सरफेस एरिया दूसरे का डबल है. ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर. ओके, यहां तक बात ठीक है? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, दो कोन है डिफरेंशिएट करने के लिए, आर वन एल वन एंड आर टू एल टू ले लिया. एक कोन का कर्व सरफेस एरिया डबल है अदर का, वाइल स्लांट हाइट ऑफ लैटर. लैटर क्या होता है? जो यहां पर हमने कहा वन एंड अदर, लैटर एंड फॉर्मर. इसमें ये फॉर्मर हो गया, ये लैटर हो गया. लैटर जो जिसकी बात कर रहे हो, जो तुम्हारे पास है, दैट इज लैटर वन. और जो जिसकी बात पहले कर चुके हो वो फॉर्मर. ठीक है, वर्ड्स कई बार ऐसे आ जाते हैं जिनका मतलब समझ में आना जरूरी है हमें. मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी उतनी ही समझ में आएगी, तभी क्वेश्चन समझेंगे और करेक्ट कर पाएंगे. तो जब हमें कहा, हमें क्या कहा गया? कर्व सरफेस एरिया वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ दी अदर. ये हमने ये कर दिया. नियरर वाला अदर की बात हो रही है, ये आपका लैटर हो गया, ये फॉर्मर हो गया. तो अब एल वन एल टू का रिलेशन बताओ क्या हो? स्लांट हाइट ऑफ लैटर मीन्स एल टू और एल वन. L2 इज ट्वाइस दैट ऑफ दी फॉर्मर. ट्वाइस दैट ऑफ दी फॉर्मर, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. बताओ जी क्या करोगे? एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है. आपको रेडियस की रेशियो पूछी गई है, क्या कर सकते हो? बातें किए बिना जल्दी से क्वेश्चन कर दो. क्या करोगे? पाई आर वन एल वन इज इक्वल टू टू पाई आर टू एल टू. एल टू इज ट्वाइस ऑफ एल वन. आपको रेशियो ऑफ रेडियाई चाहिए, आर वन अपॉन आर टू या आर टू बाई आर वन. दिस इज वॉट यू नीड. जल्दी से बताओ क्या करोगे? अरे इतनी देर कैसे लग रही है? ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है जी, अब अगर हम यहां पर बात करें तो मेरे पास बचा क्या? एल वन इज ट्वाइस ऑफ आर टू एल टू. अब क्या करूं? मुझे मेरे आंसर में आर वन आर टू चाहिए सिर्फ. और जल्दी से बोलो क्या करूं? L2
को ट्वाइस ऑफ L1 डाल सकते हो? L2 इज ट्वाइस L1, सो इस L2 की जगह मैंने लिख दिया ट्वाइस L1, ये L1 L1 कट गया। R1 इज इक्वल टू 4 times R2, तो रेडियाई की रेशो क्या हो जाएगी? 4:1 हो जाएगी। सो B इज योर आंसर, 4:1। ठीक है जी, नेक्स्ट सॉलिड जो आपके पास है, जिसके बारे में हमने बात करनी है, दैट इज स्फीयर एंड हेमी स्फीयर। अब जब हम स्फीयर और हेमी स्फीयर की बात करते हैं, तो मुझे ये बताओ कि हेमी स्फीयर है या तो फिर स्फीयर है, इसमें आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे कैसे पता चलेगा हमें? ये है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर में सारे का सारा सरफेस कर्व्ड है या कोई फ्लैट सरफेस भी है इसमें? बोलिए जी, डू यू हैव सम फ्लैट सरफेस और इट इज होली कर्व्ड सरफेस? सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है। जब हमने कोन की बात की थी, तो कोन में मेरे पास कर्व्ड सरफेस भी था और साथ ही फ्लैट सरफेस भी था। एक कर्व्ड था, एक एक कर्व्ड था और एक फ्लैट था। अब जब हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सारे के सारे सरफेसेस कर्व्ड सरफेसेस हैं, कोई भी फ्लैट सरफेस आपके पास नहीं है। जब हम सिलेंडर की बात करते हैं, तो एक कर्व्ड है और दो फ्लैट है। अब अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, तो क्या होगा? इसमें कोई फ्लैट सरफेस है? या ये आपका अगर सेमी सर्कल है, डज इट हैव एनी फ्लैट सरफेस, या इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही, कर्व्ड सरफेस ही है इसमें? ये बेस आपका सर्कुलर, सो ये कर्व्ड सरफेस और ये फ्लैट। हेमी सर्कल, हेमी स्फीयर की जब आप बात करते हो, तो इसमें कर्व्ड सरफेस भी है, इसमें फ्लैट सरफेस भी है। लेकिन जब आप स्फीयर की बात करते हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेसेस हैं, इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस आपके पास नहीं। ठीक है जी, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि मेरे पास स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम। लाइकवाइज हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का, कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का 4 pi r square, क्या टोटल सरफेस एरिया भी 4 pi r square होगा या कुछ डिफरेंट होगा? अभी हमने देखा कि मैं स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस की बात करूं या टोटल की बात करूं, टोटल में कुछ और सरफेस ऐड ही नहीं हुआ। इसका मतलब स्फीयर की जब हम बात करते हैं, तो हम चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, दोनों सेम रहते। और वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की? बच्चे स्फीयर की बोल रही हूं मैं, हेमी स्फीयर की बात नहीं कर रही। 4/3 pi r³ स्क्वायर कहां से आ जाएगा बच्चों?
वॉल्यूम की जब आप बात करेंगे, तीन लेंथ की मल्टीप्लिकेशन होती है हमेशा, तो 4/3 pi r³ इज दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम बात कर रहे हैं हेमी स्फीयर की। हेमी स्फीयर का मतलब मैंने इसको आधा कर दिया है, आधा कर दिया है तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? एंड विल हियर द टोटल सरफेस एरिया भी सेम है आज कर्व सरफेस एरिया या कुछ फर्क होगा? अब जब आप इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो, जब आप हेमी स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो, तो इसमें दो बातें आ गई। फ्लैट सरफेस भी आएगी एंड कर्व सरफेस भी आएगी, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा 3 pi r² बिल्कुल ठीक है जी, इट विल बी 2 pi r² प्लस दिस पाई आर स्क्वायर। ये क्यों ऐड हुआ? इस फ्लैट सरफेस की वजह से जो कि सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इज 3 pi r² जबकि स्फीयर का टोटल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया सेम रहता है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। बट जब हम हेमी स्फीयर की बात करते हैं, कर्व्ड और टोटल में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी 2/3, ठीक है जी। वॉल्यूम हम पहले भी बात कर चुके हैं, वॉल्यूम इज समथिंग दैट कैन बी दैट आई कैन होल्ड कैपेसिटी। इसके अंदर अगर मैं कुछ डालूं कितना डल सकता है, वो इसकी कैपेसिटी है। सरफेस एरिया की बात ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो आपके पास स्फीयर के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कर्व्ड सरफेस एरियाज हैं, नो हेमी, नो फ्लैट सरफेसेस। अब थोड़ी सी बात एक हम देख लें, होलोस्फीयर। होलोस्फीयर समझ में आता है सबको? होलोस्फीयर का मतलब क्या होता है? होलोस्फीयर का मतलब है कि आपके पास ये जो थिकनेस, अगर मैं इसको, इफ आई लाइक टू शो इट ऑन द बोर्ड, इट इज, से हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ये हेमिस्फीयर और इसके अंदर एक और हेमिस्फीयर डाल दिया जाए, दिस इज होलो, फील्ड नहीं है, ये होलो हेमिस्फीयर है। होलो हेमिस्फीयर के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इट इज समथिंग लाइक दिस, अगर आप इसको ऊपर से देखते हो तो ये ऐसे दिखेगा, ये बीच में ये होल, ये एक स्फीयर, ये आपका हेमिस्फीयर, ये इसके अंदर हेमिस्फीयर ही आप समझ लीजिए, एक और डाल दिया जाए तो ये आपको इसका अपर एंड नजर आएगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। कैन यू इमेजिन? ऐसे ही आप होलो सिलेंडर्स की भी बात कर सकते हो, होलो स्फीयर्स की भी बात कर सकते हो। सिलेंडर की बात करें तो ये हो गया हमारे पास होलो सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर हमने डाल दिया, तो ये तो सॉलिड पार्ट हो गया, दिस इज द सॉलिड पार्ट, और अंदर से ये खोखला है, होलो, ठीक है जी। तो इसके वॉल्यूम्स और सरफेस एरियाज की बात अब हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी। ओके बच्चों, थैंक यू, ओके, बाय बाय। वेल स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो डियर स्टूडेंट्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वंस अगेन वी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड टुडे वी विल डिस्कस द यूनिट वर्क एंड एनर्जी। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन वर्क एंड एनर्जी। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन वर्क एंड एनर्जी। Work and energy, right? And
दिस इज माई नेम धीरज वशिष्ठ. सो बेटर इन द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दोज सिंबल्स विच आर प्रिवेलेंट इन दिस चैप्टर एवरीवेयर. कौन कौन से ऐसे सिंबल्स हैं और उनका क्या मतलब है जो इस चैप्टर में आएंगे, और उनको मापने के लिए कौन सी इंटरनेशनल यूनिट है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे. तो राइट, दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी. सभी बच्चे लिखेंगे बेटे, सभी बच्चे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम क्या है, ये वाला कॉलम हुआ. फिर उसका सिंबल क्या है, उसको कौन से इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल यहां लिखेंगे बेटे. ओके, फिर हम उसके बाद उसका इंटरनेशनल यूनिट क्या है यहां लिखेंगे. फिर उसका हम नेचर लिखेंगे, क्या वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वो यहां लिखेंगे. फिर उसमें अगर कोई एडिशनल बात लिखनी है, एडिशनल यानी रिमार्क्स, एडिशनल कोई पैरामीटर लिखना है तो वो यहां लिखे. हैव यू मेड दिस ऑन योर पेज डियर स्टूडेंट्स, हैड यू मेड दिस पेज सीरियल नंबर. जल्दी से जल्दी ये कॉलम बना लो, जल्दी से जल्दी. बना लिया बेटे, हैव यू मेड इट, रिप्लाई यस. अगर आपने बना लिया तो राइट हैंड खड़ा करो, राइट हैंड. हाँ जी बेटे, हाँ. आगे से जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन का यस में आंसर देना है, यस में, तो राइट हैंड खड़ा करना है. और अगर किसी भी क्वेश्चन का नो में आंसर देना और मैं पूछूं नो में, तो लेफ्ट से खड़ा करना है. ठीक है, जिस हाथ से हम लिख पाते हैं उसके लिए यस, जिस हाथ से हम नहीं लिख पाते अगर यानी के लेफ्ट पे नो. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड बेटे. सबसे पहला हमारा सिंबल है जो कि बार बार काम आएगा हमारे, द एफ. एफ का कोई मीनिंग बता सकता है? कोर्स. इसका सीरियल नंबर लिखना था यहाँ तो, सॉरी. सीरियल नंबर कितना बेटे? सीरियल नंबर वन. सीरियल नंबर वन पे टीचर ने फोर्स लिखा, इसका सिंबल है एफ, और इसका इंटरनेशनल यूनिट एन से लिखा जाता है, जिसको के न्यूटन का नाम दिया गया, न्यूटन. ओके, और इसके पास डायरेक्शन भी होती है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है. ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसको बोलते हैं वेक्टर. ओके, एडिशनल रिमार्क इसका यह है कि कभी कभी फोर्स को डाइन में भी मापते हैं, डाइन, ये भी इसकी यूनिट है. और आपको याद होना चाहिए वन न्यूटन के अंदर 10^5 डाइन होते हैं. ये लास्ट वाला कॉलम चाहे याद करो चाहे ना करो, लेकिन पहले फोर कॉलम आपको याद होने चाहिए. ओके, फाइव कॉलम्स. क्या समझ आया आपको? गुड जॉब. अगर आपने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया है तो रेज योर हैंड. यस में कौन सा हैंड बताया था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. लेट्स मूव टू द सेकंड. समझदार बच्चे ने इसको याद कर लिया होगा बेटे, समझदार बच्चे ने. सेकंड पॉइंट, इसमें एक सिंबल आएगा, एक टर्म आएगी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, उसको एस सिंबल से लिखते हैं. यूनिट होता है मीटर. मीटर,
और उसमें भी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका एक और यूनिट भी पॉपुलर है जिसको सेंटीमीटर बोलते हैं। मेरे बच्चों को पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बोलो सेकंड पॉइंट समझ आया मेरे बच्चों को? बोलो यस और नो, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? वेरी गुड, प्लीज नोट डाउन। लेट्स मूव टू द थर्ड। एक इसमें सिंबल यूज होएगा वर्क के लिए, वर्क के लिए W सिंबल यूज होता है बच्चे, और इसकी यूनिट J से लिखी जाती है जिसको हम जूल बोलते हैं। वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होती, क्रॉस लगाया है टीचर ने, मैग्नीट्यूड पे टिक लगाया। तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर। और इसकी एक यूनिट और भी पॉसिबल है, अर्ग। मेरे बच्चों को पता होना चाहिए 1 जूल के अंदर अंदर 10^7 अर्ग होते हैं। आया समझ? नोट डाउन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिंबल। एक इसमें सिंबल आएगा, यूज होएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को दो तरीकों से लिखते हैं, या तो के ई सिंबल होता है इसका, या ई के पैर में छोटा सा के डाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो साथ के साथ? इसकी यूनिट भी जूल होती है बेटे, जूल। कोई टीचर इसको जाउल भी बोलते हैं बोलने में। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है, इसको भी शाबाश। और इसकी एक छोटी यूनिट होती है अर्ग, और एक जाउल में 10^7 अर्ग है। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिंबल। देखो मैं मल्टी कलर बना रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को इजीली क्लियर हो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक सिंबल है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल या तो पी ई होता है, या ई के पैर में छोटा सा पी डाल देते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं जो पैर में लिखते हैं। इसका यूनिट भी जूल होता है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और इसका भी ये वाला लास्ट वाला सेम लगेगा, ठीक है? डिट्टो। एक कोमे लगाने का मतलब क्या होता है? एज रिटन अबव, सेम एज रिटन अबव, एज रिटन अबव। गॉट इट? जल्दी से कर लो फटाफट। एक इसमें सिंबल आएगा बेटे 6th नंबर पे, वो सिंबल का नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको वी से लिखते हैं, और इसकी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हुई। वेलोसिटी की एक और यूनिट भी होती है किलोमीटर पर आवर। सभी बच्चों ने याद रखना है, क्या याद रखना है? के ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। सारे का सारा चार्ट बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर काम आएगा।
शाबाश। हाँ जी बेटे, अगर सभी बच्चों ने कर लिया है तो रेज योर हैंड। कर लिया। अच्छा, कौन सा ऐसा बच्चा है जो स्टडीज के लिए इतना सीरियस है कि उसने इसको याद भी कर लिया? टू स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपकी क्लास में जिन्होंने इसको याद भी कर लिया। दे आर वेरी मच टू स्टडीज। ओके बेटे, अब हम यहां पर सबसे पहले इस बात पे नजर डालेंगे कि वर्क ये होता क्या है, राइट? ये कैसे वर्क होता है से बताता हूं आपको। उसके लिए हम नया डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले ये मेरे हाथ में देखो, ये मेरे पास, ये समझ लो डेमोन्स्ट्रेशन। ये मेरे पास एक समझ लो ऐसे जमीन है, ये वैसे ये पेपर बोर्ड है। मैंने आपके लिए अज्यूम करा दिस इज ग्राउंड। इस ग्राउंड के ऊपर ये बहुत बड़ा कोई अलमीरा खड़ा है, गोदरेज का अलमीरा। ओके, और ये पर्टिकुलर पर्सन इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, राइट? द पर्सन इज अप्लाइंग द फोर्स। आपको विजिबल दिख रहा है बेटे? क्लियर दिख रहा है बेटे? मैंने बोला यस के लिए राइट हैंड खड़ा करो करो। आपको दिख रहा है? गुड जॉब। तो ये पर्टिकुलर फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर, इस अलमीरा के ऊपर जोर लगा रहा है उधर को। अब कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर क्या ये काम कर रहा है, वर्क हो रहा है? तो आंसर इज नो। जानते हो क्यों? फिजिक्स के मुताबिक नो वर्क। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के मुताबिक तभी वर्क माना जाता है जब इसके जो दूसरी जगह जब ये जोर लगाने पर ये अलमीरा अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाएगी, जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने अभी अभी सभी ने बताया। तो इसका मतलब अभी तो ये जोर लगा रहा है, वो खड़ी हुई है अलमीरा, मूव ही नहीं कर रही, करेक्ट? अलमीरा समझ लो या वॉशिंग मशीन समझ लो। अब ये थोड़ी देर बाद इतना ज्यादा जोर लगा देता है कि वो जो है वॉशिंग मशीन मूव करती है। अगर वो वॉशिंग मशीन मूव करेगी इसके जोर लगाने से, तब हम कहेंगे कि इसने वर्क करा। मान लो इसने ऐसे जोर लगाया तो, और ये वॉशिंग मशीन मूव हो गया, ऐसे मूव हो गया, तो इसका मतलब है इसने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, राइट? तब हम कहेंगे वर्क हो गया। इसका मतलब हमने ये स्टडी करा के वर्क करने के लिए फोर्स भी चाहिए और फोर्स को साथ साथ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको वर्क बोलते हैं। वैसे इसका प्रॉपर नाम है मैक्सिमम वर्क। तो बच्चे, जब हम फोर्स को डेटा में पुट करेंगे तो ये न्यूटन में पुट करना है, पुट इन न्यूटन यूनिट, ओके? और जब डिस्प्लेसमेंट को पुट करना है तो हम कहेंगे पुट इन मीटर यूनिट, गॉट इट? और जो वर्क हमारे पास निकल के आएगा दैट विल कम इन जूल यूनिट, जूल यूनिट। तो कोई भी बच्चा ये वाला फार्मूला बिल्कुल नहीं भूलेगा जिसको टीचर ने रेड बॉक्स में बंद कर दिया। अभी अभी जस्ट याद कर दो फटाफट, अभी याद हो जाना चाहिए। शाबाश। इसी तरह से एक और पॉपुलर फार्मूला बेटे, वो भी याद कर लो आप। और उस फार्मूले में ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ मास इनटू वेलोसिटी,
येलो बॉक्स वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये मास इस बॉक्स का 5 किलोग्राम हो और इसको ऐसे जोर लगाने पर इसको वेलोसिटी मिल गई 3 मीटर/सेकंड 3, तो क्या होएगा? तो 5 यहां पुट करूंगा, ये 3 मीटर/सेकंड पुट करूंगा, उसका स्क्वायर हो गया, आगे हाफ लगाऊंगा तो इट विल बिकम 45/2, यानी के 22.5 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ये वो एनर्जी होती है जब किसी बॉडी के अंदर मोशन होगा तभी ये एनर्जी होएगी, वरना नहीं होएगी। क्योंकि अगर कोई बॉडी खड़ी हुई होगी तब हमें उसकी वेलोसिटी 0 पुट करनी पड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। अब हम कुछ एनिमेशंस देखते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं बोर्ड के ऊपर। देखो शाबाश बच्चे, बोर्ड के ऊपर हम कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं। ये देखो बेटे, ध्यान से देखो, इस फिगर में क्या है? ये लड़का ऐसे फोर्स लगा रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ट्रॉली में। ट्रॉली के ऊपर बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और ये बच्चा फोर्स लगा रहा है। बताओ ये ट्रॉली अगर आगे को मूव करेगी तो वर्क होगा या नहीं होगा? होगा, वेरी गुड। अब ये लड़की इस दीवार के ऊपर जोर लगा रही है या ब्लॉक के ऊपर जिसको एक बड़े से पत्थर से रोका हुआ है, और या दीवार के ऊपर जोर लगाने से वो हिल ही नहीं रही, तो वर्क होगा या नहीं होगा? बेटे मैंने आपको तरीका बताया, अगर नो तो लेफ्ट हैंड, यस तो राइट हैंड। नहीं बेटे, इसमें इसमें दीवार मूव ही नहीं कर रही। जब मूव नहीं कर रही तो वर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए बॉडी का अपनी पोजीशन छोड़ना जरूरी है। एज द फोर्स अप्लाइड बाय द गर्ल इज नॉट सफिशियंट टू मूव द वॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जब वाल ही मूव नहीं करेगी तो नॉट इज। अब बताओ इसमें वर्क होगा या नहीं होगा, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? नो, नो के लिए लेफ्ट हैंड, राइट के लिए यस। बोलो वर्क होगा नहीं होगा? शाबाश, लेफ्ट के लिए नो वर्क, ठीक है। अच्छा ये देखो एक चीज, ये पॉटर है अपने सिर के ऊपर ऐसे सामान लेके जा रहा है, ठीक है। तो सामान लेके जा रहा है, देखो धीरे धीरे ऐसे चल रहा है, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, इज दैट क्लियर? और ये देखो इधर, इसमें फोर्स ऊपर को लगा रहा है और आगे को चल रहा है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में फोर्स भी इधर को लगा रहा है, मूवमेंट भी इधर को हो रही है। ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स हैं कि किधर को फोर्स लगाने से किधर को चल सकता है बंदा। इसमें देखो चलता फॉरवर्ड है लेकिन उसने बॉक्सा उठा रखा है, तो बॉक्सा नीचे को गिरेगा वेट की वजह से, उसको सहारने के लिए, सहारा देने के लिए फोर्स ऊपर को लगाया, रेड कलर से दिखाया हुआ है, देखो राइट, यस और नो? अब हम इसी के अंदर एक और चीज देखेंगे कि जब हमारा वर्क होता है तो इसमें हमें और क्या चीज का ख्याल रखना है। फोटोग्राफ नंबर सेकंड, ये देखो बेटे, इसमें फोर्स हमने लेफ्ट से राइट की तरफ लगाया तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, पेन कैसे आएगा? पेन देखो बेटे, योर अटेंशन, इस केस में आप देखो जैसे ही ये फोर्स लगाया तो इसकी वी इनिशियल, देखो वी के पैर में आई डाला हुआ है, यानी के इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई है। एफ का मतलब फाइनल,
इसका मतलब है बॉडी यहां टिक वाली पोजीशन से डबल टिक वाली पोजीशन पे आ गई है, तो इसका मतलब है इतनी चीज डिस्प्लेसमेंट हो गई है और फोर्स भी उधर को ही लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जित किधर को होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स भी उधर को ही है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उधर को ही है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उस वर्क को पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क को क्या बोलते हैं बेटे फिर? पॉजिटिव। अब नीचे वाले केस में हम देखते हैं, मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं ताकि मेरे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। पॉजिटिव वर्क इस ब्लू लाइन से ऊपर ऊपर है। अब यह नीचे देखो ध्यान से, यह नेगेटिव वर्क है, इसमें क्या फोर्स इधर को लगा और बॉडी उधर को गई और उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बन गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी इतना हो गया, राइट? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए दोनों। इसका मतलब इस केस में जो वर्क होएगा हमारा वो नेगेटिव होगा। कौन सा होएगा? नेगेटिव। जैसे ही मैंने इसको समझाया बच्चों को तो बच्चे कहते हैं सर अगर आप इसके साथ एग्जाम्पल दे दो तो हमें बड़ी अच्छी पता लग जाएगी। तो मैं अपने बच्चों को दोनों ही केसेस में एग्जाम्पल देने लगा हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। मान लो आपकी क्लास का कोई बच्चा ले लेते हैं, मान लो किसी दिन ये बच्चा कौन सा लेट से अनमोल गरेवाल, अनमोल गरेवाल एक दिन, शाबाश ध्यान से देखो बेटे, अनमोल गरेवाल एक दिन यहाँ पर खड़ा था और इसके हाथ बेटे और इसके हाथ में ये वाला बैट था, इसके हाथ में ये एक बैट है। इस बच्चे ने क्या करा, अपने बैट की मदद से, योर अटेंशन, अपने बैट की मदद से इस ग्रीन कलर की बॉल को पुश कर दिया इधर को, तो नेचुरली उसके उसके बैट को किधर को फोर्स लगाना पड़ा, अप्लाइड फोर्स उधर को ही, तो बॉल भी किधर गई, इधर को, तो बैट का फोर्स भी उधर को लगा और ये बॉल भी उधर को चलेगी। दोनों सेम डायरेक्शन होने से हम कह सकते हैं अनमोल ने जो वर्क करा दैट इज पॉजिटिव वर्क, ओके। अब हम नेगेटिव वर्क समझते हैं, नेगेटिव वर्क समझने के लिए योर अटेंशन, नेगेटिव वर्क समझने के लिए सबसे पहले उसके लिए ये समझो कि ये एक टेबल है, उसके ऊपर ये ब्लॉक पड़ा है, लकड़ी का ब्लॉक। मान लो इस लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर इधर को अप्लाइड फोर्स लगा, कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। जैसे कि मैंने किसी ये देखो ध्यान से देखना, ये मैं फिगर दिखाया, मेरे हाथ ने जो फोर्स लगाया वो अप्लाइड फोर्स है, ओके मैम। लास्ट में बच्चे कैसे खड़े हैं, 8-9 बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत ही इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, 8-9 बच्चे खड़े हो गए हैं भाई, ये बच्चे बैठ क्यों नहीं रहे लास्ट में भाई? आई एम गिविंग वॉइस कर रहे हैं इसलिए उनको खड़ा किया है मैम ने। अच्छा अच्छा मैम इनको बिल्कुल बिल्कुल इससे भी ज्यादा सख्त दो, आपको सजा दो इनको, तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, बल्कि मेरे को आपको रिक्वेस्ट है कि इनके नाम लिख के व्हाट्सएप कर दो जरा प्लीज, मैं देखता हूँ फिर इनको, चाहे मेरे को पर्सनल विजिट क्यों ना करना पड़े स्कूल में। तो यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाया, हमेशा याद रखना है जिधर को बॉडी जाती होती है
उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो मैंने येलो कलर से दिखाया, और यह ग्रीन से कर देते हैं ज्यादा अच्छा दिखेगा। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट होता है किसके, जिधर को बॉडी घिसरती है, घिसर के राइट साइड पे जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से लिखते हैं, ये अपोजिट है। अगर मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया होता, क्या पूछ लिया होता कि वर्क डन, मैंने पूछ लिया होता वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे स्पेशल लिखा हो कौन से फोर्स के द्वारा, तो आप सोचोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर को लग रहा है ग्रीन कलर से आपने दिखाया हुआ है, जबकि ये रेड कलर की बॉडी उधर को जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट उधर को हुआ, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। अपोजिट होने से जो वर्क होता है वो नेगेटिव आएगा, गॉट इट। तो इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने ये पूछ लिया होता वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, तब मेरे बच्चे कहते सर पिंक कलर का फोर्स आपने उधर को दिखा रखा है और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रही है, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर आप हमसे ये पूछ रहे हो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो दोनों सेम डायरेक्शन की वजह से हम वर्क को पॉजिटिव बोलेंगे। समझ आया? वो हाथ, तो हाथ का आपको तरीका बताया हुआ है, यस के लिए कौन सा, बिल्कुल सही। इसका मतलब कोई बच्चा मेरे को ये बोलता है इसका मतलब सर सेम सेम सिचुएशन में वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, हमें बस इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन से फोर्स के द्वारा पूछा गया। तो आंसर इज यस। अगर वर्क डन इसी सिचुएशन में बाय अप्लाइड फोर्स पूछ लेता तो पॉजिटिव, अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पूछ ले तो नेगेटिव। आया समझ? यस बेटे। अब मैं आपको कुछ अगली फोटो भी दिखाता हूं। यस, तो योर अटेंशन, लुक हियर, देखो बेटे, इस केस के अंदर, इस केस के अंदर ध्यान से सुनो, फर्स्ट केस, इसमें मैं आपको काफी सारी चीजें बतानी है, ध्यान से सुन लेना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें लाइन लगाता हूं ब्लू लाइन के ऊपर ऊपर बताऊंगा पहले, तो ब्लू लाइन के बारे में ये भी है, ये दोनों चीजें इकट्ठी देखनी आप, ये भी और वो भी। देखो बेटे, किसी फोर्स बॉडी के ऊपर, ऊपर को फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट इधर को, बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे, एग्जाम्पल बताओ, तो मैं कहूंगा बेटे मान लो ये पर्टिकुलर लेबर वाला पर्सन है और उसने अपने सिर के ऊपर बोझा रखा हुआ है, ईंटें रखी हुई हैं, अब ये लड़का तो इधर को जा रहा है तो वो उसको उठाने के लिए फोर्स उधर को लगा रहा है, तो देखो फोर्स हो गया वर्टिकल, चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल, तो यही सिचुएशन होगी, फोर्स वर्टिकल, चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल, दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। गॉट इट? हमेशा याद रखना है जब वर्क फोर्स, ये एंगल दोनों में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री हो तो वर्क होता है जीरो। बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे जीरो, ऐसे कैसे मान ले हम, क्योंकि वर्क का फार्मूला तो आपने हमें यह बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने तो हमें यह बताया था, ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें फोर्स भी लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है तो आपने वर्क जीरो कैसे कर दिया, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन किसी बच्चे ने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने इसको वर्क नहीं बोला था, मैंने इसको मैक्सिमम वर्क बोला था। वर्क का जो असली फार्मूला है वो ये है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, ध्यान से सुनना, इंटू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना, एक चीज और भी मल्टीप्लाई होती है, इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस ऑफ थीटा। आप बच्चा कहेगा सर ये क्या आ गया, इसको मेरे को समझाना पड़ेगा। मान लो कभी डिस्प्लेसमेंट इधर को है
और फोर्स इधर को लग रहा है और दोनों की डायरेक्शनों में एंगल हो गया ये थीटा, जिस जो 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो, अगर ये थीटा कितना हो 90 डिग्री इफ, तो यहां पर क्या भरा जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब ये जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये मैथ वाले सर आपको समझाएंगे, उसका आंसर आता है जीरो। मैथ वाले सर आपको समझाएंगे कॉस क्या होता है। पता है किसी बच्चे को कॉस क्या होता है? नहीं पता होगा, तो मैथ वाले सर आपको बताएंगे। तो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो कॉस, तो इसका आंसर जीरो होता है। जब हम 90 डिग्री वाले एंगल में यहां पर कॉस 90 भरेंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाए, इससे जीरो, किसी से भी मल्टीप्लाई हो, सारे को जीरो कर देती है। इसीलिए ये वर्क बन गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस ऑफ 90 जीरो, इसलिए वर्क आएगा जीरो। अभी आपने याद रखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वर्क को जीरो लिखना है। ओके, ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको यह मुश्किल आई होगी कि सर ये कॉस थीटा क्या होता है, ये वाली चीज आपके मैथ वाले टीचर समझाएंगे, या जो हमारे मैथ के टीचर हैं उनसे पूछ लेना। राइट, ये फिजिक्स में हल्का सा मैथ का टच आ गया बेटे। राइट, आगे चलें, बोलो यस और नो। अब हम ये देखो बेटे, सेकंड वाला पॉइंट देखो। अब योर अटेंशन, जब वर्क भी इधर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को लग रही है, तो उस वक्त मैक्सिमम वर्क वर्क हो जाता है। मैक्सिमम वर्क होने पर हमारे पास ये पॉजिटिव चीज आएगी, पॉजिटिव, तो वर्क हमारा पॉजिटिव होता है। पिछले केस में भी करा था, अगर फोर्स भी उधर को हो और डिस्प्लेसमेंट भी उधर को, ये देखो पॉजिटिव वर्क, रेड वाले बॉक्स से रेड वाला लिंक करके देखो, डिस्प्लेसमेंट भी उधर को ही है और फोर्स भी उधर को ही है। ये टीचर एरो से क्यों डाली जाते हैं सभी के ऊपर? क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर एरो लगाना चाहिए। ओके, अब देखो थर्ड केस, थर्ड केस में टीचर एक फिर से लाइन लगा रहा है। इस बार आपकी ये लाइन जो है ब्लैक कलर की लाइन से ऊपर ऊपर देखो, और ये भी इसके अंदर ही है। देखो रेड रेड और ब्लैक लाइन के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। फोर्स इधर को लग रहा है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था हमने, और डिस्प्लेसमेंट उधर को हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, 180 डिग्री का एंगल हो गया, और यहां कितना एंगल था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे जब पॉजिटिव, तो जीरो डिग्री एंगल, एंगल जीरो डिग्री। यहां कितना, एक इधर को जा रही है चीज, एक उधर को जा रही है, फोर्स इधर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर को जा रही है, देखो फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट उधर को, यहां पर 180 डिग्री, 180 डिग्री में दोनों चीजें अपोजिट जाती हैं, जैसे मेरे हाथ जा रहे हैं, देखो अपोजिट, राइट अपोजिट लाइक। तो ऐसे में 180 डिग्री जब चीज आ जाए तो नेगेटिव वर्क होता है बेटे। समझ आया? रेज योर हैंड लेफ्ट और राइट, वेरी गुड, राइट हैंड खड़ा सभी का, वेरी नाइस बच्चे। अब हम चलेंगे, कोई बच्चा कहता है कि सर जो हमने करा है क्या हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर भी सकते हैं कि नहीं? ये देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं फिर आपसे पूछूंगा, अभी क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूं और फिर देखता हूं कौन सा बच्चा जवाब देता है, मैं पूछता भी हूं आपसे। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या बेटे? साइंटिफिक वर्क डन, साइंस के मुताबिक कौन से में वर्क हुआ? हमें पता है बेटे, वर्क में फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी लगना चाहिए, तभी वर्क होता है। अब देखते हैं, स्टैंडिंग विद द लोड ऑफ 2 kg ऑन हेड फॉर 5 मिनट, एक लड़का है जो 5 मिनट के लिए अपने सिर के ऊपर भार लेके खड़ा हुआ है पत्थर का,
वर्क हुआ या नहीं हुआ? नो no, क्यों क्यों नहीं हुआ? इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? शाबाश, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से इसमें वर्क हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो बंदा खड़ा हुआ है, खड़े हुए पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। नेक्स्ट, प्लेइंग वीडियो गेम व्हेन सिटिंग ऑन द सोफा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बच्चा ऐसे रिक्लाइनर के ऊपर बैठा है, आराम से वीडियो गेम खेल रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, तो इसका मतलब वर्क जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। नेक्स्ट, सिटिंग ऑन ए चेयर एंड रीडिंग ए बुक, वर्क जीरो। ये देखते हैं, एक बच्चा ऐसे धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ रहा है, बताओ वर्क है या नहीं है? यस, क्योंकि वो इस जगह से इस जगह पर चला गया, तो जोर तो उसको लगाना ही पड़ेगा, और ऊपर से उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, दोनों ही चीजें नॉन जीरो होगी, तो यहां पर ये वर्क हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो गया? लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को मैं ये चाहता हूं, मेरी आपकी क्लास में एक बच्चा है जिया शर्मा, जिया शर्मा, इज इट प्रेजेंट, इज शी प्रेजेंट? जिया शर्मा प्लीज कम ऑन द माइक एंड रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, प्लीज रीड द स्टेटमेंट। थैंक यू बेटे, प्लीज सिट डाउन। इसके अंदर ये बच्चा कह रहा है कि एक लड़का है जिसने इस लान रोलर को पुश कर रहा है, वो लान रोलर को, एक लड़का है जो इस लान रोलर को ऐसे पुश कर रहा है बेटे, ठीक है, घास के ऊपर, जैसे ये लान रोलर को इधर पुश कर रहा है, तो ये लान रोलर कितने दूर चला गया? 125 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। और उसने फोर्स कितना लगाया? फोर्स कितना लगाया? 60 न्यूटन। तो वर्क का फार्मूला क्या था? मैक्सिमम वर्क का, मैक्सिमम वर्क का फार्मूला क्या होता है बेटे? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को पुट करेंगे 60। सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ, सॉल्व इट योर सेल्फ एंड आंसर मी। ये 75 में दो है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा सही है? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स भी उधर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर को हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो इसलिए प्लस है, तो इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया, बिल्कुल सही। समझ आए ये दोनों क्वेश्चन? रेज योर लेफ्ट और राइट हैंड, चॉइस। समझ आए? शाबाश, देखो कितने अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन बेटे, मैं ये चाहूंगा कि मेरे को ये बच्चा अर्शदीप कौर, अर्शदीप कौर प्लीज कम ऑन द माइक एंड रीड द स्टेटमेंट। अर्शदीप कौर, बेटे अर्शदीप कौर माइक पे आ जाओ प्लीज, रीड दिस क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पार्टिकल डायरेक्शन एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 5 एन इन अप्लाइड इन द डायरेक्शन एज शोन। शाबाश, बैठो बैठो, उसने देखा कि मैंने फोर्स को तो इधर को लगाया, गौर से देखो आप, इसके अंदर हमने देखा
फोर्स जो लग रहा है हमारे पास वो लग रहा है ये वाला 5 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन है रेड एरो की तरह, और जो कि बॉडी का मोशन है वो है लेफ्ट से राइट की तरह, जैसे कि ब्लू एरो शो कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाया बेटे उसने, डिस्प्लेसमेंट तो दिखाया ही नहीं है ना, बताया फोर्स कितना लगा 5 न्यूटन राइट है ना, ये लिखा हुआ है देखो 5 मीटर है ना, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इसमें ये दोनों ऑप्शंस नेगेटिव हैं, दोनों ऑप्शंस नेगेटिव हैं, इन दोनों में से कौन सा सही होएगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमें आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ओके तो इसका मतलब ये बन गया -25 जूल। समझ आया? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, शाबाश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसको बच्चा पढ़ेगा, इसको बच्चा पढ़ेगा पवित सिंह। पवित विल कम ऑन द माइक एंड रीड द स्टेटमेंट। पवित सिंह पवित, प्लीज कम ऑन द माइक। एबसेंट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक और बच्चा है, अमनप्रीत कौर। एबसेंट। एक और बच्चा है महेश्वरी। महेश्वरी प्लीज कम ऑन द माइक। सर कॉपी आ गया, सर कॉपी आ गया, मीट माइक। कोई बात नहीं, पवित को रहने दो। अब महेश्वरी प्लीज कम ऑन द माइक। रीड द स्टेटमेंट बेटे, प्लीज रीड द स्टेटमेंट। An object of mass 25 kg is at a height of 8 meter above the ground. How work is this object capable of doing given ground 9.8? शाबाश, बैठो प्लीज, बैठो। इसके अंदर हमारे पास मास कितना है 25 kg और हाइट कितनी है बेटे? हाइट 8 meter। ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 9.8 meter per second square। अब उसने बोला कि इस ऑब्जेक्ट को हमने इतना ऊंचा उठा दिया ग्राउंड से तो वर्क कितना करना पड़ा? देखो बेटे ध्यान से सुनो, ये जो वर्क है इसके लिए हमें दो चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इस प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा? हाइट करेगी, क्योंकि इसकी यूनिट भी मीटर होती है, इसकी यूनिट भी मीटर होती है। तो हमने पहचान लिया कि मीटर से ये चीज हाइट बनेगी। और एक चीज देखो, अगर कोई भारी चीज है तो उसका भार किधर को होएगा? नीचे को, mg। वेट का फार्मूला यही होता है ना, वेट इज इक्वल टू mg। तो इसका मतलब जिस लड़के ने इसको जमीन से उठाना है ऊपर को, तो उसको कम से कम वेट के बराबर या उससे जरा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऊपर को लगने वाला फोर्स जिससे ये लड़का इसको उठाएगा पत्थर को, तो वो भी वेट के बराबर ही होएगा। तो इसका मतलब F को यहां पुट करेंगे तो ये mg हो गया। ओके, अब ये तीनों चीजें हमारे पास पड़ी हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 9.8 × 8। ओके, कितना आएगा आंसर? मल्टीप्लाई 8
शाबाश। देखो बेटे, अगर शॉर्टकट से मल्टीप्लाई करना होता, बड़ा फास्ट करना होता, ध्यान से देखो पेपर में टाइम कैसे बचाना है। आपको पता है अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है, होता है कि नहीं होता? 4 से मल्टीप्लाई करने से 100 होता है, लेकिन इसको 8 से मल्टीप्लाई करने से 200 हो जाएगा, और 200 को लगभग 10 से मल्टीप्लाई करने से 2000 हो जाएगा, लेकिन ये 10 नहीं है, 10 से जरा सा कम है, तो हमने भी 2000 ना लेकर उससे जरा सा कम आंसर आ गया। आ गया समझ? देखो कितना जल्दी कर दिया टीचर ने, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करा 200, ये 9.8 को 10 तो कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर ये 10 होता तो 200 × 10 2000 होता, पर ये तो 10 से कम है, इसलिए 2000 से जरा सा कम। आ गया समझ? यस, ऐसे टाइम बचाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा इसको? प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन देखो कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंक दिया गया। ये ऑब्जेक्ट है जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल को यहां से किक लगाया ग्राउंड से, तो किसी एंगल पे ऐसे उठा के इसको गिराया गया और ये यहां पर जाके गिर गया। ठीक है, देखो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल विद द ग्राउंड, इट मूव्स इन द कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। इस लड़के ने जैसे इसको फुटबॉल को किक लगाया, तो ये लड़के की किक से ये फुटबॉल उधर चल के वहां गिर गया। और द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम ग्राउंड लाइन, यानी कि ये वाला जो ग्राउंड है बिल्कुल बैलेंस्ड है, समतल है, बैलेंस्ड। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ध्यान से सुनना, ग्रेविटी किधर को लगती है? हमेशा नीचे को। ओके, ग्रेविटी किधर को लगती है? जिधर को वेट होता है, तो ग्रेविटी के रूप में जो फोर्स लगता है वो किधर को हुआ? नीचे को। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस फोर्स की डायरेक्शन में ऊपर या अगेंस्ट या अपोजिट मूवमेंट हुआ बॉल का, आप कहोगे नहीं सर हॉरिजॉन्टली तो जरूर हुआ है फुटबॉल यहां से यहां तक, लेकिन वर्टिकली हुआ ही नहीं। मैं पूछूंगा क्यों नहीं हुआ, आप कहोगे सर आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, यहां से फुटबॉल गिरी यहां पहुंची उठने के बाद, तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल आपस में ऊंचे नीचे नहीं है, बिल्कुल समतल प्लेन पे है, तो इसका मतलब ना तो बॉल ऊपर को जा सकी ना नीचे को जा सकी विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया इसमें, तो वर्क कितना हुआ बेटे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको यहां रखेंगे इसको यहां रखेंगे, ये बन गया एम जी इंटू जीरो, यानी के जीरो जूल। ओके राइट, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी बोला है उसने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा बाकी के क्वेश्चन आपने घर से करके लाने हैं, चार चार क्वेश्चन बचे हैं, फोर क्वेश्चन बचे हैं बेटे, 4-5 ये आप करके लाओगे मेरे लिए, यस और नो? जितने बच्चे कहते हैं सर हम करेंगे वो दोनों हाथ वेव करो। कितने बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया वो दोनों हाथ वेव करो फिर से, जिनको आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर हैंड। थैंक यू बेटे, थैंक यू। मोर देन स्टूडेंट्स आई एम थैंकफुल टू द टू टीचर हु वर मेंटेनिंग सो गुड डिसिप्लिन इन, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ 2-3 टीचर्स इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिलीवर द लेक्चर, थैंक यू फॉर वेरी मच टू द टीचर्स। मिलते हैं अगली बार बच्चे।